नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शांतनु मित्रा और वेलकम टू शांत फूड गैलरी। तो चलिए और एक नवाबी रेसिपी आज दिखाता हूँ, जो है शाही रान या तो नवाबी रान। तो हमने एक अक्खा रान पीस लिया है और वो रान को हम पकाएंगे वैसे ही अक्खा। तो पूरा फैमिली लेके ही खा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो 700 ग्राम का रान है ये। और इसको हम डीप छेद लगाएंगे। अभी डीप छेद लगा के उसमें हम मैरिनेशन करेंगे। फर्स्ट फेज वाला मैरिनेशन रहेगा पपाया का पेस्ट, जो कच्चा वाला पपीता होता है उसका एक पेस्ट, और नमक। बस इतना ही सिंपल है फर्स्ट फेज मैरिनेशन। तो ये फेज में मैरिनेशन करके हम इसको रख देंगे करीब 1 घंटा से 2 घंटा। फिर हम जाके इसको सेकेंड लेयर ऑफ मैरिनेशन करेंगे, उसका इंग्रेडिएंट्स भी हम दिखाते हैं। तो पहले दिखाते हैं ये जो रान है इसका मैरिनेशन। मैंने फर्स्ट ये जो साइड है, ये साइड पे मैंने ये कट बाजार से लगा के लाया था, और अभी जो फ्लेश वाला पार्ट है वो फ्लेश वाला पार्ट को हम करेंगे डीप चॉप, मतलब डीप कट लगाएंगे, गैसेस लगा देंगे इसमें, तो इसके अंदर अच्छे से मसाला घुसेगा। दूसरे साइड पे भी हम गैसेस लगा लेंगे, जहां जहां पे फ्लेश ज्यादा है वहां पे गैसेस थोड़ा डीप लगा दीजिए। अभी इसको लगा देते हैं पपीता का पेस्ट। थोड़ा सा ही पपीता का पेस्ट लिया है, तो दोनों साइड से इवेनली कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर जल्दी गलाना है तो अगर आप पपीता का पेस्ट नहीं डालना चाहते हो तो ओवरनाइट मैरिनेशन करके रखो। ये कच्चा वाला पपीता का पेस्ट होता है, इसको मैरिनेट कर दो। पपीता का पेस्ट और नमक अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको मैरिनेट कर दो। कोई कोना छूटना नहीं चाहिए ये पपीता के पेस्ट से। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच एक साइड पे, दूसरा चम्मच दूसरे साइड पे। अभी हम इसको ये फर्स्ट लेयर ऑफ मैरिनेशन करके हम इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए जो जो मसाला हमको चाहिए वो हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों, अभी मटन के साथ मैं एक अक्खा जायफल भी डाल दूंगा। क्या हो जाएगा, मटन काफी जल्दी टेंडर हो जाएगा और इसमें जायफल का एक बहुत मीठा स्मेल धीरे धीरे करके आएगा। दोस्तों, अभी ये डिश बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा काजू भिगा के रखा था पानी में, थोड़ा सा आमंड, थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा खसखस और थोड़ा सा चिरौंजी। इसका एक स्मूथ पेस्ट चाहिए, और हमको चाहिए अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और चलिए हम इसको पीस के आते हैं। पपीता का पेस्ट लगा के अपना जो मटन लेग है वो करीब 1 घंटा हो चुका है। मैंने उस टाइम बोला था कि मैंने एक जायफल, अक्खा जायफल डाल दिया, तो ये टेंडराइजर का काम करेगा। तो ये अंदर अंदर डाल के रखा है, तो ये टेंडराइजर का काम करेगा। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, तो इसमें बहुत अच्छा सा एक टेंडराइजर का भी काम करेगा और टेस्ट एनहांसर का भी काम कर जाएगा ये नींबू का रस। जो छेद है, छेद में अच्छे से घुसा दीजिए नींबू का रस, पपीता का पेस्ट, तो वो बहुत अच्छे से गलेगा। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, रान वाला जो पेस्ट है वो हमने बना लिया है। अभी हम इसको मैरिनेट करते हैं, सेकेंड वाला फेज में मैरिनेट करते हैं जो पेस्ट हमने बनाया वो पेस्ट। अच्छे से कवर कर लीजिए इसको, दोनों साइड से अच्छे से कवर कीजिए। डालेंगे इसमें खसखस का पेस्ट, जितना बाकी था उतना खसखस का पेस्ट इसमें चला जाएगा। अंदर अंदर तक, गैस के अंदर अंदर तक पूरा मिला दीजिए। अभी बाकी जितना ये पेस्ट बाकी रहेगा वो पानी में डाल के हम वो पानी को यूज कर लेंगे ये रान में, रान के पकाने के टाइम। पहले हम इसमें डालते हैं दही, थोड़ा सा डाला दही, ताकि ये फेज में ये टेंडराइजर का काम करे। और इसको मैरिनेशन में छोड़ना है फिर से आधा घंटा। हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाला का पाउडर, जीरा पाउडर हम डाल देंगे इसमें, धनिया का पाउडर, अभी तक इसमें कलर आया नहीं, कलर तो आएगा कुकिंग के टाइम। हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च का, मतलब कश्मीरी मिर्च का पाउडर 2 चम्मच। याद है ना, इसमें अक्खा जायफल डाल दिया था। तो आप मानो मेरी बात, ये करीब 1 घंटा 1.5 घंटा में ही ये पूरा पक जाएगा, और जायफल का जादू है वो। देखिए ये हो चुका है मैरिनेशन, हमने थोड़ा सा दही को रख दिया है, वो जाएगा ग्रेवी में, तब वो दही जाके इसका निकालेगा इसका रोगन। हमारे ग्रेवी में और भी कुछ अनोखा वाला चीज जाने वाला है, जो आप प्रोसेस को पूरा देखोगे तब जाके पता चलेगा ये यूनिक और सबसे डिफरेंट क्यों है। कोई इंटरेस्ट ग्रो नहीं कर रहा हूं मैं, बस अब देखते जाओ, देखिए प्रोसेस में कितना फर्क है। तो अभी डालेंगे थोड़ा सा शाही मसाला, इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा लिंक में। देखिए कितना ड्राई अभी हो चुका है ये, अभी तक अदरक लहसुन इसमें डाला नहीं। तो अभी डालेंगे थोड़ा, 1 चम्मच या तो हाफ चम्मच डाल दीजिए, हाफ चम्मच अदरक, हाफ चम्मच लहसुन का पेस्ट, दोनों साइड से ही पलट पलट के इसको मिला लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं आधा घंटा। देखिए पूरा कवर हो चुका है, और इसके अंदर इसको डूबने दीजिए, मस्ती करने दीजिए।
लैम्प को। दोस्तों ये वाला प्रोसेस में हम यूज करेंगे सरसों का ऑयल और उसके साथ घी, क्योंकि ये जो मटन बनने जा रहा है इसमें सरसों का ऑयल चाहिए क्योंकि इसको लाल बनाना पड़ेगा। करीब 6 चम्मच, 1 चम्मच घी। अभी साबुत मसाला में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शाही जीरा। दोस्तों हम इसमें डालते हैं कुछ काफिर लाइम। अगर आपके पास ये नहीं है काफिर लाइम तो आराम से आप मजे से तेज पत्ता यूज कर लेना। बस धीरे धीरे हम डालेंगे 1/2 इंच का दालचीनी, 5 ग्रीन कार्डमम, 8 लौंग, 1 जावित्री का फूल और 1 स्पेशल चीज जो है ब्लैक लेमन या तो ड्राइड लेमन। यहाँ पे प्रोसेस होता है डिफरेंट, और भी आगे आगे काफी सारा ट्रिक्स है, अब देखते जाओ, स्किप मत करना। ये मैं थोड़ा अरेबिक स्टाइल से बना रहा हूँ। ये ब्लैक वाला जो लेमन होता है ये अरेबिक फ्लेवर फूड में जाता है। हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। चलिए इसका भुनाई तो कम्प्लीट हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे बचा हुआ अदरक, बचा हुआ लहसुन का पेस्ट। हम भूनते हैं तब तक जब तक इसका कच्चा स्मेल खत्म ना हो जाए। अभी आप पकड़ लो ये 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, बेटे खाने वाले हैं तो इसके लिए हम इसमें मिर्ची वगैरह नहीं डालेंगे, बस काली मिर्ची थोड़ा सा ही डालेंगे। तो हम इसमें डाल देंगे अभी कुटी हुई काली मिर्च, अभी डाल देते हैं शाही मिर्च मतलब व्हाइट पेपर और कबाब चीनी इसका पाउडर को। दोस्तों मसाला तेल छोड़ना चालू कर दिया, बस अभी हम उठा के इसको डालते हैं, पकड़ के छोटा करके डालना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों मसाला को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसा करके हम बिछा देते हैं इसके ऊपर। अभी एक एक साइड कम से कम 10 मिनट रख के कवर करके रख दीजिए। अभी इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट एक साइड, फिर हम उसको टोंग से उठा के दूसरा साइड पे डालेंगे। तो इसके नीचे से जला हुआ थोड़ा मार्क भी आ जाएगा और ये पानी भी छोड़ेगा। दोस्तों अभी हम इसको थोड़ा उल्ट पलटा के देख लेते हैं क्या रंग ये लेके आया है। ये देखिए जला हुआ मार्क्स भी आ गया। अभी हम आंच को करेंगे कम और दूसरा साइड होने के लिए छोड़ देते हैं। ये मेरा वाला वर्शन है तो कुछ ना कुछ तो मैजिक इसमें रहेगा। तो हम इसमें डालते हैं नारियल। क्यों मैंने नारियल को फ्राई नहीं किया, क्योंकि अभी इससे थोड़ा थोड़ा करके मिठास इसमें आएगा और ये नारियल इसका जो पानी गलेगा उसको चूसता रहेगा और नारियल का जो खुशबू रहेगा ना दोस्तों, अब मानो मेरी बात, एक बार नारियल से ट्राई करके देखो। एकदम पूरा का पूरा कोट कर दीजिए इसको। ये नीचे चिपक सकता है, हमने जो मैरिनेशन था उसका बोल को धो के वो मैरिनेशन को हम इसमें कर देते हैं ऐड। और अभी हम इसको ढक देते हैं ओवर लो फ्लेम। तो दोस्तों हम इसको फिर से पलट देते हैं दूसरे साइड पे। दोस्तों अभी फिर से हम डाल देंगे इसमें ढक्कन करीब 45 मिनट्स के लिए। चलिए दोस्तों अभी राइट टाइम है, हम इसमें डालते हैं टमाटर प्यूरी। देखिए कलर, क्या अभी ये पानी मांग रहा है, तो हम डाल दिया टमाटर प्यूरी तो इसको सफिशियंटली पानी आ जाएगा। बस अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं है, बस आधा घंटा ही इसको पड़ा है। अभी हम इसमें डाल देंगे अपना जो गरम मसाला था, या तो शाही मसाला, उस शाही मसाला ये जितना कवर्ड रहेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी तेल सेपरेट होना चालू हुआ है। दोस्तों अभी दूसरे साइड पे पलट देते हैं। देखिए मटन टेंडर हो चुका है और हमको अभी चाहिए इसमें थोड़ा सा ग्रेवी। आंच को करिए कम और डाल दीजिए दही, बस ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि टमाटर प्यूरी भी हमने डाला है, दही बस थोड़ा सा ही बचा था वही दही को हम डाल देंगे और यही बनाता रहेगा ग्रेवी। ये थोड़ा ये डिश खट्टा साइड पे जाता है, ज्यादा तीखा नहीं। ग्रेवी देखिए कितना थिक है, तो हम इसको थोड़ा लिक्विफाई करेंगे, पर पहले हम देखते हैं दही का मजा। फिर से ढकेंगे इसको और हम वेट करेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में अपना पानी रेडी हो जाएगा और हम डालेंगे पानी। लो दोस्तों देखो दही का कमल और दही कितना पानी इसमें छोड़ चुका है, पर मसाला अभी भी गाढ़ा है तो हमको पानी डालना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम के लिए इसको पलटेंगे और डालेंगे पानी। तो दोस्तों लास्ट टाइम के लिए हम इसको पलट देते हैं, देखिए टूट फूट ना जाए। चलिए लो जी, कहीं पे अभी तक तो टूटा नहीं, मटन टेंडर भी हो चुका है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। देखिए रेशा रेशा निकल के आ रहा है। थोड़ा इसको भून लेते हैं तेज आंच में, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं और थोड़ा तेल छोड़ देगा, हम डाल देंगे पानी। तो दोस्तों नवा भी डिश है, कुछ खास कुछ जाना चाहिए ना। थोड़ा सा गुलाब पानी, थोड़ा सा केवड़ा का पानी, थोड़ा सा मीठा अत्तर, थोड़ा मटन के अंदर भी देख लेंगे कि कितना गल चुका है ये। बिल्कुल बस ये पानी के लिए ही वेट कर रहा है। हर एक गैस के अंदर सॉफ्ट बन गया मटन, हमको पानी डाल के ज्यादा इसको उबालना नहीं है। चलिए अभी डाल देते हैं इसमें पानी, तेल सेपरेट हो गया, आप आपके हिसाब से पानी डालिए। हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक, स्वीटनेस में भी थोड़ा कम है
क्योंकि स्वीट वाला कुछ गया ही नहीं। नमक आपके स्वाद अनुसार। दोस्तों हम डाल देते हैं हाफ चम्मच नमक। एक बार पानी डाल दिया तो आप इसको थोड़ा हिलावली मत कीजिए, नहीं तो आपका ये मटन टूटेगा, ये अखा वाला नहीं निकलने वाला है। फिर हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा फेस क्रीम, ये रिचनेस के लिए। ढक देंगे और वेट करेंगे सीधा प्रेजेंटेशन के लिए। अभी हम नींबू को हटा देते हैं, नहीं तो अभी ये ग्रेवी को बिटर बनाएगा। चलिए ढक देते हैं। दोस्तों अभी देखिए इसका कितना रोगन आया है और ये पूरा का पूरा गल चुका है। अभी देखिए हड्डी से मांस अलग हो रहा है, मतलब इसमें और कुछ बाकी है ही नहीं। तो चलिए अभी हम इसको करते हैं प्रेजेंट। चलिए अभी मटन को उठाते हैं, बेहतर होगा इस साइड से इसको पकड़ना और उठा के डालना। तो दोस्तों ये हो गया आज रात का प्रेजेंटेशन, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसका रेशा रेशा आपको दिखाई देगा, खींचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही उठ रहा है। परफेक्टली कुक मटन है दोस्तों, कोई एक्साजरेट करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये लीजिए आपका फाइनल डिश रेडी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की प्रेजेंटेशन, शाही नवाबी रान? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज कमेंट, क्योंकि ये एल्गोरिथम के लिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम के लिए एटलीस्ट कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग एंड फॉर डेफिनेटली फॉर ट्राइंग दिस रेसिपी एट योर होम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड नाइट, शब खैर और अल्लाह हाफिज़।